हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, वो मुझे बता रहे कि रेडमी नोट 5 प्रो में जो नया अपडेट आया था 9.5.14.0, उस अपडेट में उन लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपका उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, और उसके साथ मैं आपको दूंगा एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ ऑल रेडमी नोट 5 प्रो यूज़र्स के लिए। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रेडमी नोट 5 प्रो या फिर वाई टू के यूज़र्स हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल में एक्सक्लूसिव एवरी अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रॉब्लम के सोल्यूशन सभी कुछ बताते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर कर देना हमारी इस वीडियो को, और हमारा जो चैनल है उसको जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना, ताकि हम वीडियो अपलोड करते ही आपको। तो फ्रेंड्स, रेडमी नोट 5 प्रो में जो मेजर प्रॉब्लम आया है 9.5.14.0 में, वो एक चार्जिंग का प्रॉब्लम है। जब चार्जिंग फुल होने को आती है तब बहुत टाइम लग जाता है, और फ्रेंड्स चार्ज होने में भी बहुत टाइम लगता है, और चार्ज काफ़ी देर तक रहता ही नहीं है और पहले के मुकाबले। तो ये फ्रेंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो काफ़ी व्यूअर्स, काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे जो वो मुझे बता रहे। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो शायद आपको नहीं पता, तो बेसिकली फ्रेंड प्ले स्टोर में जो हमारा ऐप शो करता है हमारे डिवाइस में, वो सभी हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं। प्ले स्टोर में काफ़ी सारे जो ऐप्स है हमको शो कर रहा है, इंस्टॉल का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन हम उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस सब का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो काफ़ी सारे बता रहे हैं कि आपको डाउनग्रेड कर लेना चाहिए, यानी कि रेडमी नोट 5 प्रो का जो पिछले वाला अपडेट था 9.5.13.0 वो अपडेट में चले जाना चाहिए, क्योंकि वही बेस्ट। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूँ फ्रेंड्स, आप कौन सा अपडेट में जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ बग्स मिलेगा आपको। पिछले अपडेट का भी कोई भरोसा नहीं था, उसमें भी बहुत बग्स था। मेरे हिसाब से आपको इसी अपडेट में रहना चाहिए, आप इसी अपडेट में रहे, और आपको मैं दूंगा बहुत ही बड़ी घोषणा, जाएगा मत, आपको इसी अपडेट में रहना चाहिए। और इस अपडेट में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं, कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद किसी को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है जो नया जो फीचर्स आए कैमरे का, जो ब्यूटी प्रो करके आता है ऊपर में, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो उसका ठीक से काम नहीं करता, वो शायद इसी का प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन काफ़ी बढ़िया स्मूथ चल रहा है, ऑप्टिमाइजेशन है, गेशियर्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और कुछ कुछ लोग बता रहे हैं कि फ्रेंड्स इसमें रैम ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है वो सही बोल रहे हैं, इसमें रैम ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं, किंतु लेकिन मैं अगर आपको एक बात बता दूँ, आपके लिए नया अपडेट आने वाला है, वो भी 2-3 हफ्ते के अंदर एक अपडेट आने वाला है। हाँ फ्रेंड्स, वो हफ्ते आने वाला है, वो है MIUI 9.5.14.3 का अपडेट। ये बहुत ही क्लोज एक अपडेट है जो हमको मिला है, और शायद पहले बीटा में आएगा, उसके बाद आपको स्टेबल में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूँ, शामी जो अपना अपडेट रिलीज करते हैं वो भी 3 फेज में रिलीज कर रहा है। जो अगर 3 फेज में अगर सबको ये नया अपडेट है जो 9.5.14.0 का, अगर सबको अपडेट मिल जाए इन 3 फेजेस में, तो शायद से बहुत जल्दी आ जाएगा वो 9.5.14.3 का अपडेट। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हो नहीं पाता 3 फेसेस में इस अपडेट का कंप्लीट, तो वो 4 या 5 फेसेस में कंप्लीट करेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, कंप्लीट होते ही आप लोग को जो नेक्स्ट अपडेट है 9.5.14.3 का, वो अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको यही बताना था, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन करने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आप अपने फ़ोन को रात को चार्ज किया कीजिए। आपको प्ले स्टोर में काफ़ी सारे ऐप्स मिल जाएंगे चार्ज करने के लिए, फास्ट चार्जिंग लेके DU चार्जर एक ऐप है, आप देख सकते हो उसको, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फ़ोन को रात में चार्ज कीजिए, रात में चार्ज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रात में चार्ज करेंगे तो फ़ोन काफ़ी टाइम मिल जाएगा चार्ज करने के लिए, और अपना जो पूरा दिन है उसमें आप आराम से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी डाउनग्रेड अपडेट को अपने फ़ोन में फ्लैश मत कीजिएगा, इसमें आपका ही फ़ोन का आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स और आप अवॉइड कीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। अगर आपको नेक्स्ट अपडेट आ जाता है, हमको मिल जाता है नेक्स्ट अपडेट, तो हम तो जल्दी से आपको बता देंगे। और नेक्स्ट अपडेट रिलीज भी होता है तो हम तो है ही आपके लिए, आपको नेक्स्ट अपडेट का डाउनलोडिंग दे देगा, आप फ्लैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप ऐसी तरह की वीडियो पाने के लिए, आप हमेशा अपने फ़ोन के साथ अपडेट रहने के लिए। और अगर इस वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और आपका कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।